अब तक आपने देश में वीवीआईपी लोगों को जेड प्लस सिक्योरिटी में देखा होगा, लोगों को अपने घर की सुरक्षा के लिए गार्ड्स और डॉग्स को तैनात करते हुए देखा होगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह पर लिए चलते हैं जहां पर आधा दर्जन से ज्यादा गार्ड्स और डॉग्स एक ऐसे बगीचे की सुरक्षा कर रहे हैं जो कि बेशकीमती है। गार्ड के साथ घूम रहे इन डॉग्स को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये किसी खास जगह की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, ये ना तो कोई भी वीआईपी प्लेस है और ना ही किसी का घर, बल्कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था एक खास आम के लिए की गई है जो जापानी किस्म का है और इसका नाम है टाइयो नो टमैंगो। ये आम केवल अपने नाम के लिए नहीं बल्कि अपनी कीमत के लिए भी पूरी दुनिया में फेमस है। जबलपुर की आबो हवा में विकसित हुआ ये आम हजारों में नहीं बल्कि लाखों रुपए में बिकता है और इसीलिए इसकी सुरक्षा के लिए बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। बगीचे के मालिक संकल्प बताते हैं कि आम के चर्चे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, इसकी सुरक्षा को लेकर भी वो लगातार चिंतित रहते हैं। अब तक कई बार उनके बगीचे में चोरियां हो चुकी हैं। यही वजह है कि 4 एकड़ में फैले बगीचे में आज 4 गार्ड्स और 9 कुत्तों को 24 घंटे आम की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। दरअसल पिछले साल भी जब हम ये चर्चा में आए थे तो हमारे 3रे दिन 14 आम चोरी हुए थे, तो तब से डर बैठ गया था कि तो इस साल हम लोगों ने सुरक्षा के थोड़े ज़्यादा उपाय किए हैं। एक गार्ड्स इन्हीं पौधों के लिए ही इन बच्चों के पास बैठे रहते हैं रात भर। डॉग्स की संख्या भी बढ़ाई है, पहले 1 हमारे यहाँ डॉग थे तो अभी इस साल 9 हैं ईश्वर की कृपा से, तो सुरक्षित थोड़ा महसूस करते हैं। गार्ड्स 3 गार्ड्स रहते हैं, 2 गार्ड्स पूरे बगीचे को करते हैं, पर एक सिंगल गार्ड केवल इन बच्चों के पास ही बैठाया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि इस आम में क्या खास है। दरअसल ये जापान में ही होता है और इसे एग ऑफ सन यानी सूर्य का अंडा कहा जाता है, क्योंकि जब ये पूरा पक जाता है तो ये हल्का लाल और पीला होता है और इसका वजन भी करीब 900 ग्राम तक पहुंच जाता है। इसमें रेशे नहीं पाए जाते और स्वाद में ये बहुत मीठा होता है। आम की ये प्रजाति जापान में संरक्षित वातावरण में उगाई जाती है, लेकिन संकल्प सिंह परिहार ने अपनी बंजर पड़ी जमीन पर इसे खुले वातावरण में ही उगाया है। बताया जाता है कि 2017 में जापान में एक जोड़ी आम की बोली करीब $3600 लगाई गई थी, जिसकी भारत में कीमत करीब 2.5 लाख रुपए होती है और इसलिए इस लखपति आम की चर्चा इतनी खास है। एक्चुअली जो जापानी प्रजाति की हमारे यहाँ 6 मैंगो करीब हमारे बगीचे में है, बट उसमें जो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आया, लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है, वो टोरेंगो दी टैमेगो है। चूँकि शुरुआत में हमको भी नहीं मालूम था कि इतना कॉस्टली मैंगो है, बट नॉर्मल वे में लगाया था इसको हम लोगों ने। लोगों से जानकारियाँ प्राप्त हुई, लोगों ने बताया कि 1 लाख से 2 लाख रुपये पर पीस तक बिकता है। जापान के वातावरण में होने वाले पेड़ अगर किसी और देश के वातावरण में आसानी से होने लगते हैं तो आश्चर्य ही होता है। जबलपुर से दुर्गेश के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।